हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो उसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी क्राइम जो कंप्यूटर की मदद से या कंप्यूटर पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। अब इसमें कंप्यूटर में देखिए सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हो गए, ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे जो डिवाइसेज हैं, इनकी मदद से जो भी क्राइम किया जाता है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, दैट इज नोन एज साइबर क्राइम। आज हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम की। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो साइबर क्राइम है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जो इनसाइडर अटैक होते हैं, ठीक है, यानी जो साइबर क्रिमिनल हैं दे कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग द साइबर अटैक। तो इनसाइडर अटैक भी होते हैं इसमें और आउटसाइडर अटैक भी होते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल अटैक भी होते हैं, ठीक है। अब इनसाइडर अटैक में क्या होता है कि एन अटैक टू द नेटवर्क और द कंप्यूटर सिस्टम बाई सम पर्सन विद ऑथराइज सिस्टम एक्सेस इज नोन एज इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अटैक करता है या क्राइम करता है जिसको उस सिस्टम के अंदर ऑथराइज एक्सेस मिली हुई है, मतलब जिसको उस सिस्टम को, उस नेटवर्क को यूज करने का ऑथराइजेशन है उसके पास, और वो उस ऑथराइजेशन से उसमें एंटर करने के बाद कोई क्राइम परफॉर्म करता है। तो इस तरह के जो अटैक को बोलते हैं इनसाइडर अटैक, एंड इट इज जनरली परफॉर्म बाय द डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी इनसाइड एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर। तो जो इनसाइडर अटैक होता है वो ऐसे एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा होता है जो किसी न किसी रीजन से, सिस्टम से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो फिर वो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करते हैं। द मोटिव ऑफ द इनसाइडर अटैक कुड बी रिवेंज और ग्रीड। अब इनसाइडर अटैक करने का कारण जो है, या तो रिवेंज बदला लेना भी हो सकता है, और या तो जो है लालच में ही, जैसे किसी और ने अनलॉफुल ढंग से पैसे वैसे दे के ये काम करवाते हैं बाहर के लोग, तो वो दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। वो बदला लेने के लिए भी कर सकता है या लालच में भी कर सकता है। इट इज कंपेरेटिवली इजी फॉर एन इनसाइडर टू परफॉर्म ए साइबर अटैक एज ही इज वेल अवेयर ऑफ द पॉलिसीज, प्रोसेसेस, आईटी आर्किटेक्चर एंड वेलनेस ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम। तो किसी भी इनसाइडर के लिए इस तरह का अटैक करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि उसको पूरी जानकारी होती है कंपनी के पॉलिसीज की, प्रोसेस की, आईटी आर्किटेक्चर की, और क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं अटैक से बचाने के लिए सिस्टम को उसकी। तो जो कि उसको पूरी जानकारी होती है तो उसके लिए अटैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हाउएवर द अटैकर हैव एन एक्सेस टू द नेटवर्क, देयर फोर इट इज कंपेरेटिवली इजी फॉर एन इनसाइडर अटैकर टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्रैश द नेटवर्क एट्सेट्रा। ठीक है, जो इनसाइडर अटैकर होगा वो बड़ी आसानी से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको वो चुरा भी सकता है सिस्टम से, सिस्टम को, नेटवर्क को क्रैश भी कर सकता है, और भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है नेटवर्क के लिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रीज़न फॉर इनसाइडर अटैक इज व्हेन एम्प्लॉय इज फायर्ड और असाइंड न्यू रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द आईटी पॉलिसीज। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है कि जो एम्प्लॉयज जो है इस तरह के इनसाइडर अटैक करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो या तो उस ऑर्गेनाइजेशन से फायर किए रहते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया रहता है वो करते हैं, या दे हैव बीन असाइंड ए न्यू रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि उनको जो है नया रोल दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो न्यू नया रोल है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता आईटी पॉलिसीज पे। तो इससे क्या होता है कि ये अटैकर के लिए फिर एक वल्नरेबल विंडो खुल जाती है और वो इस तरह के काम को परफॉर्म करते हैं।
द इनसाइडर अटैक कुड बी प्रिवेंटेड बाई प्लानिंग एंड इंस्टॉलिंग एन इंटरनल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. तो इनसाइडर अटैक को आप जो है उससे सिस्टम को बचा सकते हैं. दे इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई प्लानिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑफ एन इंटरनल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. आपको एक इंटरनल डिटेक्शन सिस्टम जो है इंस्टॉल करना होगा, इंटरनल इंट्रूजन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि इस तरह के जो इंटरनल अटैकर हैं उनसे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. तो ये तो हो गया इनसाइडर अटैक्स की. अब एक्सटर्नल अटैक्स की अगर हम बात करेंगे, तो एक्सटर्नल अटैक क्या होते हैं, जब बाहर से किए जाते हैं, मतलब व्हेन द अटैकर इज आइदर हायर्ड बाय एन इनसाइडर और एन एक्सटर्नल एंटिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल अटैक. तो एक्सटर्नल अटैक जो किए जाते हैं वो या तो बाहरी लोगों को हायर करके करवाया जाता है, या कोई बाहरी लोग ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से अटैक करवाते हैं. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ए विक्टिम ऑफ साइबर अटैक नॉट ओनली फेसेस फाइनेंशियल लॉस बट ऑल्सो द लॉस ऑफ रेपुटेशन. तो एक्सटर्नल अटैक में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी या जो भी ऑफिस पे साइबर अटैक होता है, उसको जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ उसके रेपुटेशन पे बहुत अटैक पड़ बहुत गलत वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, कि आदमी को लगता है कि भाई उस कंपनी, उस ऑफिस या उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखना सेफ नहीं है. ठीक है. तो देयर इज ए लॉस ऑफ फाइनेंस एज वेल एज लॉस ऑफ रेपुटेशन इन केस ऑफ एक्सटर्नल अटैक. सिंस द अटैकर्स इज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो दीज अटैकर्स यूजुअली स्कैन एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन. An experienced network / security administrator keeps regular eye on the log generated by the firewalls as external attacks can be traced out by carefully analyzing these firewall logs. तो इसीलिए किसी भी कंपनी में जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है या जो आपका सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसके नेटवर्क में या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में फायरवॉल्स से कितने लॉगिन हुए हैं फायरवॉल्स के थ्रू, और उसके ऊपर एक वो क्लोज मॉनिटर रखता है इसी पर्पज से, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का आपके नेटवर्क में लॉगिन करेगा तो वो थ्रू फायरवॉल ही जाएगा, तो वहां से पता चल जाता है कि बाहर से कितने लॉगिन हुए हैं और कौन से सस्पिशियस लॉगिन है, तो उनको ट्रेस आउट करके प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है. ठीक है. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस IDS भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड टू कीप एन आई ऑन द एक्सटर्नल अटैक्स. तो IDS भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और प्लस जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो फायरवॉल लॉक्स पे एक क्लोज लुक रखता है कि बाहर से कौन कौन से लोग लॉग इन कर रहे हैं, या बाहर से जो भी लॉग इन एक्टिविटी हो रही है वो कितनी सस्पिशियस है और कितना उनको ध्यान रखना जरूरी है. अब इसमें फर्दर अगर हम साइबर अटैक्स को क्लासिफाई करना चाहें, ये तो हो गया इनसाइडर और एक्सटर्नल क्राइटेरिया में. अब इसको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करना चाहें, तो साइबर अटैक्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड अटैक में, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द अटैकर. यानी कि मान लीजिए, तो हमने कहा कि जैसे साइबर अटैक्स इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में. एक तो हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड अटैक, और दूसरा हो गया आपका अनस्ट्रक्चर्ड अटैक्स. ठीक है. इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड अटैक और अनस्ट्रक्चर्ड अटैक जो है हम वो कर सकते हैं क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अटैक. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि सम ऑफ द
experts have classified these attack as a form of external attacks, but there is precedence of the cases when a structured attack was performed by an internal employees. तो कुछ एक्सपर्ट ने तो पहले ये कहा कि भाई जितने भी स्ट्रक्चर्ड अटैक हैं वो सारे एक्सटर्नल अटैक हैं, लेकिन कई केसेस में ये पाया गया कि जो भी स्ट्रक्चर्ड अटैक हैं वो बाहरी व्यक्ति के बजाय इंटरनल एम्प्लॉई द्वारा ही किया गया है, ठीक है। और एंड दिस हैपेंस इन द केस व्हेन द कॉम्पिटिटर कंपनी वांट्स द फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑट सर्टेन पॉइंट्स। मतलब कि जो कोई कंप्यूटर कंपनी है वो आपके कंपनी की अगर फ्यूचर स्ट्रेटजी जानना चाहती है तो वो उस कंपनी के एम्प्लॉय से ही ये काम करवाती है। तो द अटैकर्स में स्ट्रेटजिकली गेन एक्सेस टू द कंपनी एज एम्प्लॉय एंड एक्सेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर अटैक के बारे में। अनस्ट्रक्चर अटैक क्या होता है कि दीज अटैक्स आर जनरली परफॉर्म by amateurs who do not have any predefined motives to perform the cyber attack. जो unstructured attack होते हैं ये उन professionals के द्वारा किए जाते हैं जिनका कोई predefined या कोई clear cut motive नहीं होता attack करने के लिए, ठीक है। And they performs unstructured attack. Actually ये वो professional होते हैं या amateurs होते हैं those who are trying to test a tool readily available over the internet on the network of a random company. So, ये unstructured attack जो है generally professional या amateur के द्वारा होता है, जो अगर net पे जो भी tools available हैं, किसी tool को अगर वो test कर रहे हैं कि whether that tool is working properly or doing the things for which it has been manufactured or not, तो इस प्रक्रिया के दौरान या इस टेस्टिंग के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान भी चाहे अनचाहे ढंग से वो अटैक कर देते हैं नेटवर्क पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड और नॉन अनस्ट्रक्चर्ड अटैक के बारे में। अब इसमें हम स्ट्रक्चर्ड अटैक में कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहेंगे कि स्ट्रक्चर्ड अटैक में क्या होता है। कि सबसे पहले तो हमें इसमें हाईली स्किल्ड पीपल की ज़रूरत पड़ती है। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर अटैक बिकॉज दिस टाइप ऑफ अटैक इज परफॉर्म बाई हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपुल एंड द मोटिव्स ऑफ दीज अटैक्स आर क्लियर इन दियर माइंड। तो स्ट्रक्चर्ड अटैक जो होते हैं वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा किए जाते हैं और उसको करने का जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो टारगेट होता है, वो एकदम क्लियर रहता है उनके माइंड में। They have to access to sophisticated tools and technologies to gain access to other networks without being noticed by their IDS system. तो ऐसे attackers के पास क्या होता है कि highly sophisticated tools होते हैं और वो enter कर जाते हैं दूसरे organization के network में या system में और उस organization के IDS को, intrusion detection system को, इसका पता भी नहीं चलता है। Moreover, these attackers have the necessary expertise to develop or modify the existing tool to satisfy their purpose. These type of attacks are usually performed by professional criminals, by a country on the rival countries, politician to damage the image of the rival person, or the company, terrorist, rival companies, etc. तो ये जो structured attack होते हैं इसमें हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और जनरली ये जो स्ट्रक्चर्ड अटैक होते हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय द प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। अब ये अटैक करवाए जाते हैं या किए जाते हैं या तो किसी कंट्री के द्वारा राइवल कंट्रीज पे, या तो किसी पॉलिटिशियन के द्वारा राइवल पर्सन पे, किसी कंट्री पे, किसी टेररिस्ट के द्वारा, राइवल कंपनीज के द्वारा, एटसेट्रा। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड अटैक। अब इसमें क्या होता है कि साइबर क्राइम में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि साइबर क्राइम्स हैव टर्न्ड आउट टू बी ए लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क बिजनेस एंड विद ह्यूज रिटर्न्स। साइबर क्राइम में सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, लो रिस्क का बिजनेस है
और रिटर्न बहुत ज्यादा है। इसीलिए नाउ डेज दीज स्ट्रक्चर्ड क्राइम्स आर परफॉर्म आर हाईली ऑर्गेनाइज, देयर इज ए परफेक्ट हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड सम ऑफ देम हैव रीच्ड ए लेवल इन टेक्निकल कैपेबिलिटीज एट पार विद दोज ऑफ डेवलप्ड नेशन। दे आर टारगेटिंग लार्ज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस एंड न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट एंड दे आर ऑल्सो इन टू ऑनलाइन ड्रग्स ट्रेडिंग। तो इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज में ये साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। उसका केवल कारण यह है कि इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत लो है, रिस्क बहुत कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कुछ जगह पे या कुछ कुछ उस पे अगर आप बात करेंगे तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने भी, इनकी भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ये रन कर रहे हैं। जैसे अगर इनके हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये मान लीजिए, जैसे सबसे पहले तो सबसे टॉप पे तो इनका बॉस होता है, ठीक है, जो क्रिमिनल बॉस है वो सबसे टॉप पे होता है। उसके नीचे कोई मान लीजिए नंबर टू पोजीशन पे रहता है, या उसको आप कुछ भी कह लीजिए, आप अंडर बॉस कह सकते हैं कि ये बॉस के नीचे काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके नीचे फिर कई लोग रहते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को लीड करते हैं। मतलब आप उनको अगर प्रोफेशनली बोलना चाहे तो यू कैन से कैंपेन मैनेजर, दे मे बी कॉल्ड कैंपेन मैनेजर, ठीक है। ये भी आपका कैंपेन मैनेजर, अलग अलग कैंपेन्स को या अलग अलग जो भी एक्टिविटीज हैं उसको ये कैंपेन मैनेजर उसको देखते हैं, ठीक। और इन कैंपेन मैनेजर के नीचे फिर जो रिसेलर होते हैं, जो फिर जाके एंड यूजर से डीलिंग करते हैं, तो इसके नीचे फिर ये रिसेलर होते हैं, डाटा स्टोलन डाटा रिसेलर, जो भी डाटा आपने चुराया है उसको बेचने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। तो एक कई जगह पे जो क्रिमिनल, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग विद ए वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका स्टोलन डाटा रिसेलर, और ये भी आ हो गया आपका स्टोलन डेटा रिसेलर, ठीक है। तो एक तरह से आप हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप ये ड्रॉ कर सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी। अब इसमें जैसे ये तो बॉस हो गया जो टॉप है ओनर, उसके बाद ये जैसे जो अंडर बॉस है, इसका मेनली काम क्या होता है कि दे आर ट्रोजन प्रोवाइडर एंड मैनेजर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रोजन कमांड एंड कंट्रोल। तो ये ट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक। बाकी ये जो कैंपेन मैनेजर हैं, दे आर द अटैकर्स क्राइम वेयर टूल किट ओनर। मतलब अटैकर्स के पास जो क्राइम वेयर टूल किट होता है उसके ये ओनर होते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट ट्रोजन इन लेजिटिमेट वेबसाइट्स थ्रू दियर एफिलिएशन नेटवर्क। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रोजन को इनकी जो लेजिटिमेट वेबसाइट्स होती है उसके थ्रू एफिलिएशन नेटवर्क में। तो इस तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में साइबर क्रिमिनल्स जो है परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमने आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें क्या होता है कि जो रोल रहता है सारे लोगों का हायरार्की में वो चेंज होता रहता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। मतलब जैसी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से रोल चेंज होता रहता है। इफ ए हैकर हु हैव हैक्ड सेंसिटिव डाटा फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन मे यूज इट फॉर फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटिंग द ऑर्गेनाइजेशन हिमसेल्फ, इन केस द अटैकर हिमसेल्फ हैज द टेक्निकल एक्सपर्टाइज फॉर इट ही विल डू इट हिमसेल्फ, अदरवाइज ही मे फाइंड अ बायर हु इज इंटरेस्टेड इन दैट डाटा एंड हैव द टेक्निकल एक्सपर्टाइज। अगर किसी अटैकर ने वाली कोई डाटा चुराया और अगर वो खुद इतना टेक्निकली साउंड है कि उस डाटा का फायदा उठा सके तो वो खुद उठाएगा, और मान लीजिए अगर वो टेक्निकली साउंड नहीं है, वो डाटा उसने चुरा तो लिया लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं है,
तो फिर वो उसका बायर ढूंढेगा कि किसके काम का है, हम उसको बेचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रोल चेंज होते रहते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि देर आर सम साइबर क्रिमिनल्स विच आर अवेलेबल ऑन ऑन डिमांड सर्विस बेसिस, यानी कुछ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं अवेलेबल, वो किसी उसमें रेगुलर उसमें नहीं इन्वॉल्व है, वो ऑन डिमांड बेसिस पे अपनी सर्विसेज देते हैं जो भी साइबर से रिलेटेड है, और अपना काम पूरा करने बाद अपनी पेमेंट लेके उससे उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता है। द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंट्री में कॉन्टेक्ट दीज साइबर क्रिमिनल्स फॉर हैकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन एक्सेस टू सम सेंसिटिव डेटा और क्रिएट मैसिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऑन दियर कॉम्प्यूटर्स। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये जो साइबर जो आपके साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन ऑन डिमांड बेसिस और डिपेंडिंग अपॉन दियर रिक्वायरमेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर कर सकता है उनकी सर्विस फीस देके। बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर द हैकर्स राइट मालवेयर वायरस एटसेट्रा टू सूट दियर रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। उसी हिसाब से ये जो साइबर प्रोफेशनल हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो लिखते हैं, वायरस डेवलप करते हैं, मालवेयर डेवलप करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। अब इसमें क्या होता है कि जब भी साइबर अटैक किसी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, तो जो मैं ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुका हूँ कि फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और सीधी सी बात है कि जब उसका लॉस होता है तो जो कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है दे गेट बेनिफिटेड बाय दिस अटैक। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइबर अटैक क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक छूट रहा हो आपका, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।